सब मिलके जितना हो सके उतना जागरूकता जरूर लाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। लास्ट सवाल, आपकी एज के बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, जो आपकी एज के होंगे बहुत सारे लोग आज यहाँ देख रहे हैं और जो कल भी देखेंगे, जो मे बी आपकी एज से बड़े हैं, ठीक है, बट जो सोच है वो आपकी बड़ी है। यानी एक कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? कोई एक या दो चीजें जो पूर्णिमा जी को लगता है, पूर्णिमा को लगता है कि यस मैं वेस्टिजियंस को या जो जो लोग ये शो को देख रहे हैं उनको कहना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल मैम, मैं बस यही कहना चाहूंगी, आज जितना भी यूथ मुझे देख रहा है, अगर कहते ना एक लाइफ में कुछ रिग्रेट रह जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि यार मुझे फोर्थ ईयर में मिली, लेट मिली वेस्टीज, आपको फर्स्ट ईयर में मिल रही है। आप सोच के देखो, 2 साल में मैं अगर हैरियर चला रही हूँ और 4 साल में आप अपना अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहे होगे, तो मर्सिडीज से निकल रहे होगे तो, और अपनी अपनी कार से निकल रहे होगे, अपने अपने BMW से निकल रहे होगे, तो जो प्लेसमेंट देने वाला होगा वो भी इंसान कैसा सोच रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ में करें, और जब हमारे जितने भी हमारे जो पर्सन है जो मुझसे एज में जो बड़े हैं, वो अगर कैसा लगेगा कि अगर आपका बच्चा बोले कि मेरे को इनके जैसा बनना है, मुझे अपने पापा जैसा बनना है, मुझे अपनी मम्मी जैसा बनना है, मैं लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर होता हूँ अपने पापा से, इंस्पायर होता हूँ, आज जैसा पापा को लोग जानते हैं वैसा मुझे भी जानेंगे। तो आप एक रोल मॉडल जब आप प्ले करते हो अपने बच्चे की लाइफ में, अपने पेरेंट्स जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आपके ऊपर फक्र फील कर रहे होते हैं, आपके बच्चा भी आपके ऊपर फक्र फील होता है, तो जो ऐसा टाइम आए आपकी लाइफ में और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जिम्मेदारी आपको जब मिली है कि आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो, अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो, तो बिल्कुल उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए, और उस जिम्मेदारी को लेके आप बहुत अच्छे से एक प्यारी सी स्माइल के साथ में, कहते हैं कि स्माइल बहुत अच्छा होता है, कि लोग खुशनुमा इंसान को सुनना चाहते हैं हमेशा, जब भी एक स्माइल से आप बात करेंगे तो लोग आपको बहुत अच्छा सुनना पसंद करेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो पता नहीं चलता जब आपकी स्माइल निकलती है, इसलिए मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। और आपका एटीट्यूड द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अपने साथ में रख सकते हो वो आपका एटीट्यूड होगा, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग से मैंने काम करना शुरू किया और जब मुझे लगा कि मैं गिर रही हूँ, संभल रही हूँ, कुछ भी, मेरा एटीट्यूड